मेरा नमस्कार, मैं हूँ तृप्ति श्राफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तृप्ति टू ट्रिप, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। वृंदावन के दूसरी दिन की यात्रा में हम अपने होटल में नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। अगर आपने हमारा पहला डे का सीरीज़ नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, आपको सभी जानकारी पता हो जाएगी। तो हम यहीं पे ठहरे हुए हैं और ये हमारा धर्मशाला है, तो यहाँ से हम अपने लिए नाश्ता करते हैं। नाश्ता का टाइम सुबह 8 से 9 का है। यहाँ से हम वृंदावन के बांके बिहारी से मिलने चलते हैं और उनका दर्शन करते हैं। द्वार खुल चुका है, सुबह 8 बजे उनका द्वार खुलता है, तो काफ़ी सुंदर दर्शन हो गया है। अब चलते हैं राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करने। अगर आप वृंदावन आते हैं और बांके बिहारी के दर्शन के बाद राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपके दर्शन अधूरी रह जाएगी। तो ये राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करते हैं। बांके बिहारी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर राधा वल्लभ लाल जी का यह मंदिर पड़ता है। अगर आप गेट नंबर 2 से जा रहे हैं तो बिल्कुल पास में ही 2 कदम की दूरी पे राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर जाने का रास्ता मिल जाता है। बांके बिहारी का दर्शन करने के बाद हम एग्जिट गेट से आए हैं तो हमें 200 मीटर की दूरी पड़ा है। तो काफ़ी बड़ा इनका भव्य आंगन है जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर वृंदावन के सभी मंदिरों की हिस्ट्री जानना है तो आप हमारे शॉर्ट्स में जाके सभी मंदिरों का हिस्ट्री और उनकी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। राधा वल्लभ लाल जी की अभी आप देख सकते हैं आरती हो रही है, तो बहुत ही सुंदर दर्शन हो गए हैं इनके। अब हमें वृंदावन की इन गलियों में यहाँ के जायके का स्वाद लेने के लिए हम चलते हैं मुकेश शर्मा चिल्ले वाले के पास, जिनका चिल्ला शुद्ध देसी घी में और पनीर स्पेशल होता है। तो यहाँ पे हमने 100 रुपया प्लेट शुद्ध पनीर चिल्ली डोसा लिया हुआ है और साथ में कांजीवाड़ा जो 40 रुपया ग्लास पड़ता है लिया है। तो यहाँ से खाने पीने के बाद अब हम यहाँ से इन्हीं तंग गलियों से होते हुए टेम्पू लेके पहुँचते हैं निधिवन। बांके बिहारी से निधिवन की दूरी 1 किलोमीटर पड़ती है। निधिवन पहुँचने के बाद यहाँ पे आपको बंदरों से सावधान रहना पड़ेगा। बहुत सारे यहाँ बंदर हैं। यहाँ पे बंदर ने मेरा मोबाइल ले लिया था और फिर उसे हमने फ्रूटी पिलाया तब जाके उसने हमारा मोबाइल दिया। तो निधिवन पहुँच चुके हैं, इसका भी मंदिर का खुलने और बंद होने का टाइमिंग होता है, तो मंदिर अभी ओपन हो चुका है और चलते हैं अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे तुलसी के वृक्ष हैं। ऐसा माना जाता है ये सब गोपियाँ हैं जो रात्रि में कृष्ण के साथ जीवित होके रास रचाती हैं। शाम के समय में इसे बंद कर दिया जाता है, यहाँ पे कोई भी मनुष्य या जानवर नहीं रुकते हैं। निधिवन के सभी मंदिरों का दर्शन करने के बाद अब हम पहुँच जाते हैं अपने धर्मशाला में और यहाँ पे हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद आज हम निकल जाते हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए और रात्रि में हम पहुँचते हैं राधा रमण जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कि बांके बिहारी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह एक शालिग्राम के बने हुए प्रभु जी हैं। इनकी भाव भंगिना भी होती है, ये कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी अपने दांतों को दिखाते हैं। तो अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो इनका दर्शन करना तो बनता है। दर्शन करने के बाद अब यहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं और वृंदावन का गर्मा गर्म दूध पीते हैं। आज वृंदावन में हमारा 3रा दिन था और हम पहुँचते हैं भगवान श्री कृष्ण के कुल देवी की मंदिर में। यह माँ कात्यायनी शक्ति पीठ है, यहाँ माँ सती के बाल गिरे हुए थे। तो इनका दर्शन करने के बाद हम पहुँचते हैं आगरा। तो वृंदावन का हमारा यह सफ़र यहीं तक समाप्त होता है। कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाकर प्रेस कर लीजिए पल पल की जानकारी के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे।